आज राज किचन रेसिपी बनाएंगे पुदीना 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 हरा धनिया पुदीना और टमाटर। ओहो कहाँ गया है टमाटर, नींबू, क्या बात है। उसके बाद हरी मिर्च, पालक, और चटनी बनाएंगे। और क्या करेंगे दोस्तों, हरे धनिए और पुदीना और टमाटर और नींबू और हरी मिर्च मिलाकर इतनी मस्त चटनी बनाएंगे कि मजा आ जाएगा। उंगलियां चाटने वाली, तड़के वाली बनाने वाले दोस्तों, मेरा है क्रिएशन है चटनी। वैसे कच्ची बनती है पर कच्ची नहीं बनाने वाला हूँ, मस्त तड़के वाली चटनी बनाने वाला हूँ। और ये तड़का चटनी खाने के बाद में आप पुराने सारे हिसाब है ना सब भूल जाएंगे, और सारे सीक्रेट बताने वाला हूँ, सारी आपको चीज़ें बताने वाला हूँ कि घर में चटनी बनाते तो टेस्टी नहीं बनती है, बाहर तो बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर मैंने चीज़ें ज़्यादा ली है, तो सबसे पहले हरी मिर्च बता देता हूँ आपको। हरी मिर्ची तो हम ले लिए 12, ये तो चाहिए चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें नींबू चाहिए, एक छोटे साइज का और एक काफी बड़े साइज का। उसके बाद ये पुदीना है, तो पुदीना यहाँ पे ज्यादा है तो मैं पुदीना कम कर देता हूं। एक पुदीना की पुली, ये रही पुली को आपके यहाँ क्या बोलते हैं, तो मैंने यहां पर ये है देखिए पत्ते पत्ते पुदीने के तोड़ लिए, और इनका वजन है पूरा 100 ग्राम, 100 ग्राम ये इनका वजन हो गया। फिर हरा धनिया भी इतना सारा नहीं चाहिए, तो ये पूरा आधा किलो है, तो आधा किलो में से हमें लेना है 250 ग्राम, यानी ये देखिए आधा ले लेना है। ये हरा धनिया धो के रख लिया हमने इसे, ये देखिए थोड़ा सा आधे से कम लग रहा है तो थोड़ा सा और रख देते हैं, ये हो गया ठीक। उसके बाद ये पालक हमें इतना नहीं चाहिए, इसमें से सिर्फ 50 ग्राम पालक के पत्ते चाहिए, और ये कच्चा टमाटर जरूर डालें। और यहाँ पर हमने लिए हैं सलाद वाले टमाटर 5, एक छोटा है एक फिर छोटा है और 3 मीडियम साइज के हैं। और अब बनाना शुरू करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी मज़ा आएगा, तभी टेस्ट ऐसा आएगा कि मज़ा ही आ जाएगा। धनिया हमने उठा के रख दिया है, पुदीना ये हो ही गया है। उसके बाद में ये जो टमाटर है ना, इनका बीज, क्योंकि बीज और छिलका बहुत निकालना जरूरी है, और जो हरी मिर्च है उसके साथ में जो कुछ करेंगे ना हम, तो आपको लगेगा यार आपने बहुत सही बात बोली, ठीक है। तो ये टमाटर इनका बीज और छिलका निकालना है दोनों का, कच्चे टमाटर का भी नहीं, कच्चे टमाटर का आप कुछ नहीं निकालना, बस इनका निकालना है। ये एसिडिटी नहीं करता, ये 10 अंडे के बराबर है और ये एसिडिटी करते हैं, तो इनका पूरा स्किन निकालना है उबाल के नहीं चाकू से, और पूरा बीज निकालना है, जितने बीज निकल जाए ठीक है। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं, सारी तैयारी हो गई है दोस्तों। अब क्या करना है, हमें हरा धनिया लेना है, ये हरा धनिया लेना है, और ये देखिए हरे धनिया भी, ये जो आगे के डंठल लेना थोड़े से काट देने हैं करीब 1 इंच के आसपास, लेकिन अगर आप बाहर खाओगे ना तो ये वो भी डाल दे, इसको भी डाल देते हैं, तो घर में बना रहे हैं तो थोड़ा सा फ्रेश बनाएं। चलिए ये हो गया, इसको ये नहीं चाहिए हमें, से हटा देते हैं। ओहो क्या खुशबू आई काटते ही हरे धनिया की। अब ये है देखिए, इसको रफली काट लेना है। ओ बच गया अंगूठा और उंगली, ये देखो हम कोई शेफ तो है नहीं, वो हमारे पास कोई चाकू है नहीं, पीले पत्ते निकाल लें और इसको इस तरीके से रफली काट लें। ये देखिए रफली काट लिया, रफली काटने के बाद में इसको थोड़ा सा इधर करेंगे। उसके बाद जी ये हरा टमाटर है इसे काट लेंगे, पर ये काटेंगे ना यार, कुछ लोग बोलते हैं यहाँ पर कीड़े होते हैं तो हटा देते हैं हम, फिर कमेंट करेंगे क्या मतलब है। ये लीजिए काट लेते हैं इसको भी,
अब ये हरा टमाटर ना, इसका बीज और छिलका एसिडिटी नहीं करता है, लेकिन क्या जो लाल टमाटर होता है ना, इसका बीज और छिलका एसिडिटी करता है। जितने हो सके थे मैंने निकाल लिए दोस्तों। अब सबसे पहला काम करेंगे हम, मैं ढूंढ के लेके आता हूँ पहले, सबसे पहले मिक्सी का बड़ा वाला जार कहाँ गया, वो हो यहाँ पे आराम फरमा रहा है। तो सबसे पहले एक बड़ा मिक्सी का जार लेना है, इसके अंदर आप पहले हरा धनिया नहीं डालेंगे, सबसे पहले हम हरा टमाटर डालेंगे। ओहो क्या बात है, फिर ये टमाटर डालेंगे, क्या बात है। अब ऐसे ऐसे करके हरा धनिया डालेंगे, जितना आ जाए उतना डाल दे पहले, क्या बात है। और पानी की जरूरत हो तो पानी भी डाल दे, पर मैं इसे डाल के पीसने वाला हूं। ये देखिए करीब करीब मेरे को लग रहा है सारा आ ही जाएगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी बस दबाने में। अब ये थोड़ा सा पीसेगा ना तो बैलेंस हो जाएगा, तो बाकी ये जो बचा है ना, देखो दोस्तों ये बाद में डालेंगे। चलिए अभी हल्का सा इसे पीस लेते हैं। ये देखिए थोड़ा सा पीसने के बाद में देखिए काफी जगह हो गई। ये देखिए अब ये बाकी बचा हुआ भी इसमें डालकर एकदम महीन पेस्ट बना लेते हैं। पर मुझे इसमें लग रहा है दोस्तों थोड़ी सी पानी की रिक्वायरमेंट, तो क्या करेंगे हम डाल देंगे बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा पानी, अच्छे से पिस जाएगा 50 ml के आसपास। ये देखो ओहो उबाली आ रही है, देखिए आय हाय हाय क्या बात है, पिस लेते हैं। ये देखिए पीस लिया है इसे अच्छे से, इसको रखते हैं अभी साइड में हाल फिलहाल के लिए यहाँ पर और खाली कर लेंगे। उसके बाद बारी आती है हमारे पानी, जो है सबकी जिंदगानी, इसके बिना नहीं किसी का नहीं। और फिर पानी, ये पानी अब क्या करना है, इसमें सबसे पहले हरी मिर्ची डाल देनी है, जैसी थी वैसी ही जैसे लाए थे। अब ये इसकी टोपी तोड़ देनी है, ये देखिए इस तरीके से तोड़कर यहाँ डाल देंगे, नहीं इसको और तोड़ देंगे ऐसे, ये लीजिए इस तरीके से टोपी निकाल के तोड़ के डाल देंगे, ये देखिए इस तरीके से। क्या बात है, हरी मिर्ची धुल गई, टोपी टूट गई, क्या बात। और एक सामग्री तो दोस्तों ऐसी डालेंगे जो इसका स्वाद और फ्लेवर बढ़ा देगी। चलिए के फटाफट तोड़ लेते हैं हरी मिर्ची को। अब मैंने दो बार तोड़ा है, ये तो खराब है, इसे हटा देते, ये लीजिए क्या बात है। ये देखिए हरी मिर्ची टूट गई है, टूटने के बाद देखो क्या करना है, इसे पानी में से निकालना है और बाउल में डाल देना है। अब हमें क्या करना है, ये आ रही है बारीक पालक की, तो यहाँ पूरा 50 ग्राम पालक, पालक के पत्ते पत्ते डंठल नहीं लेना है इस जगह, इनको भी धो लेते हैं एक बार रगड़ रगड़ के, और अच्छे से धो के इधर डाल देंगे। अब बारी आ जाती है पुदीने की, ये पुदीना डाला, इसे भी रगड़ रगड़ के धो लेना है। और लहसुन और प्याज नहीं जाएगा दोस्तों, वैसे तो हरी चटनी में लहसुन के बिना मजा नहीं आता, पर अगर मेरे तरीके से बनाओगे ना तो मजा आ जाएगा, बिना लहसुन प्याज के भी आपको ऐसे लगेगी यार यार क्या चटनी बनी है। ये लीजिए इस तरीके से पत्ते निकाल लेते हैं पुदीने के, सफाई कर लेते हैं और बताते हैं आपको क्या क्या सामग्री डलने वाली है जो इसका स्वाद और फ्लेवर बढ़ा देगी और ज्यादा। ये देखिए खाली कर लिया हमने, और इसमें देखिए काफी चीजें चिपकी हुई है, तो चिपकी हुई चीजों में नहीं जाना है, हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर पालक और पुदीना अच्छे से पानी निचोड़ कर डाल देना इसमें,
और थोड़ा बहुत पानी रहेगा तो अच्छे से पिस जाएगा। ये देखिए, तो ये हो गया, यहाँ पर नीचे गिर गया ये। चलो भाई ये लीजिए, और पालक डालना बहुत ज़रूरी है, मस्त फ्लेवर देता है दोस्तों। ऐसे आप बच्चे भी मांग मांग के खाएंगे। और एक सामग्री जो अभी डालने वाला हूँ मैं, उसके बिना तो मज़ा ही नहीं आएगा, स्वाद और फ्लेवर बढ़ जाएगा, वो है सीक्रेट। क्या बोलते हैं दोस्तों, सीक्रेट है वो। ये लीजिए, क्या करते हैं हम, इसके ये पूरे चीज़ें हमने डाल दी इसके अंदर, और इसका ढक्कन देखिए कितना गंदा हो रखा है, इसको ढक देते हैं। ये लीजिए, उसके बाद बारी आ जाती है एक छोटे मिक्सी जार की, और इसमें हम डालेंगे, देखिए ये अदरक, ये खराब है, ये निकालेंगे। तो करीब देखिए 2 इंच के आसपास अदरक डालेंगे, पर ऐसे डालेंगे तो क्या होगा, मज़ा नहीं होगा। ये ऐसे डालेंगे थोड़ा सा काट के। अरे कट जा भाई, बहुत हार्ड है, चक्कू काम नहीं कर रहा है, या तो ये बहुत हार्ड है। ऐसे ये अदरक क्या खुशबू कर देगा, मज़ा ही आ जाएगा। ओए होए होए, क्या बात है, कहाँ जा रहा भाई, इधर आ। ये लीजिए अदरक हो गया, ये तो मोटा है यार पीस इसको। हाँ ठीक है, अब ठीक है, ये लीजिए। अब इसमें डालते हैं 1 चम्मच अनारदाना, ये बढ़ा देगा स्वाद और फ्लेवर। से यार पूरा नहीं गया, अनारदाना बच गया, और बिल्कुल थोड़ा सा 1 छोटा चम्मच जीरा। उसके बाद में ये जो हरी मिर्ची है, तो अब ये पूरी तो ऐसे आएगी नहीं, तो इसको काट के डाल देना है ऐसे, मैंने तो तोड़ा ही था, काट के डाल देंगे। अभी देखो आपको अनारदाना तो मैंने बता दिया, अभी एक सामग्री और डलेगी जिसके बिना मजा नहीं आएगा, वो भी सीक्रेट है, वो अभी बताऊंगा आपको मैं। पहले हरी मिर्ची काट लूं मैं फटाफट इसके अंदर। ये देखिए क्या बात है, ओए होए, ये देखिए, ओहो हो, चलो यार डाल देते हैं, पिस जाएगा। इसका भी ढक्कन लगा देते हैं। हरी मिर्ची, अदरक, जीरा, लहसुन और प्याज कहीं नहीं है, पालक, पुदीना, ये दोनों को पीस लेते हैं। ये देखिए पालक पुदीना पिस गया है, अदरक हरी मिर्ची पिस गई है, और जीरा भी था इसमें। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें अब आपको बताना है कि अब और एक और सीक्रेट जो सामग्री है वो बताने वाला हूँ, और क्या क्या डालने वाला है मस्त मज़ेदार तड़के वाली चटनी बनाने के लिए। मस्त तड़के वाली चटनी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, बस इतनी सी सामग्री चाहिए। फर्स्ट ये जाएगा, सेकंड ये जाएगा, और थर्ड ये जाएगा। उसके बाद में ये सामग्री, 1 बड़ा चम्मच जीरा, उसके बाद भुना हुआ जीरा, ये जरूर डालना, ये स्वाद बढ़ा देगा। इसको हमने भून के अच्छे से चलनी में छान लिया, बिल्कुल एक मतलब 8 से 10 इंच मान लो, बिल्कुल 1 छोटा चम्मच राई, हल्दी नहीं जाती इसमें, हल्दी हटा देंगे, ये लाल मिर्च भी नहीं डालनी, ये भी हटा देते हैं, हींग पाउडर 1 बड़ा चम्मच, और ये तो मेन सामग्री काला नमक 1 छोटा चम्मच, सी सॉल्ट यानी नॉर्मल वाला नमक 1/2 चम्मच। उसके बाद ओहो हो, ये एक और सीक्रेट सामग्री, अमचूर पाउडर 1/2 चम्मच। यहाँ पर हमने चढ़ा दिए सुंदर और सुशील वाली कढ़ाई, और ये ले लिया नींबू निचोड़ने का। अब कढ़ाई को हम अच्छे से गर्म होने देते हैं। सबसे पहले तो कढ़ाई जैसे अच्छे से गर्म हो जाए, फिर हमें क्या करना है, हमें तेल डाल देना है। तो ये तड़के वाली बनी तो तेल डालेंगे ना, तो ये तेल कितना डालेंगे, 3 से 4 चम्मच। 2 ऑयली वाले यहाँ पर सीधा बिना कुछ भी तेल वगैरह डाले सीधा मिक्स करके खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने 3 चीज़ें बनाई ना, जैसे हरे धनिए का पेस्ट बनाया है, पुदीना और उसका पेस्ट बनाया है, फिर वो बनाया है, वो आप खा लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 ऑयली वाले वाले मसालेदार खाते हैं, मज़ेदार और बिल्कुल यूनिक आपको खानी है, तो ये काम आपको करना ही पड़ेगा।
अब देखते हैं। हाँ, तेल अच्छे से गर्म होते ही सबसे पहले राई के दाने डाल देने, छोटे वाले, बड़े वाले नहीं। मस्टर्ड सीड ही होते हैं लेकिन छोटे वाले डालने, बड़े वाले डालोगे वो काफी काले होते हैं और थोड़े से कड़वे होते हैं। ठीक है, अभी इसको राई को, ये राई जो तड़का लगाती है ना, वो साउंड मुझे बहुत दोस्तों पसंद है। देखना, ये देखिए आया, क्या बात है, ये देख, हल्का सा राई को तड़का लगते ही जीरा, हो गया। ये देखिए, जीरे को भी यहाँ पे जलाना नहीं है, बिल्कुल हल्का सा गोल्डन ब्राउन होते ही जो लास्ट, ये देखिए, हरी मिर्ची, अदरक और अनारदाना पीसा था वो डाल देंगे। मिला लेंगे, क्या मस्त अदरक की खुशबू आ रही है यार, ओ हो हो, एक नंबर। बस अब सीधा सिंपल हींग डाल देनी है और भुना हुआ जीरा डाल देना है। गैस को कर देना है लो फ्लेम पर, और मिक्सी में देखिए इतना हिसाब बचा हुआ है, इसको खाली करना है यार, इसको वेस्ट थोड़ी करना है, ये भी डाल देना है। जितना हो सके डाल दें, और ढक्कन में भी देखिए चिपका हुआ है, ये भी ढक्कन भी साफ कर लेंगे। ये लीजिए, हो गया। अब गैस को हाई फ्लेम पे कर देंगे वापस और चला लेंगे। हल्का सा हींग चिपकेगी, इसके अंदर जो सामग्री है, लहसुन और प्याज की कहीं जरूरत नहीं है, दही डालने की भी जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं, मज़ा आ जाएगा, मतलब सोच भी नहीं सकते हो। अब गैस को हम करते हैं लो फ्लेम पर पहले, और ये डाल देते हैं अब हरे धनिए का, और उसका बनाया था हमने, किसका बनाया था, चलो फटाफट कॉमेंट करो, ये डाल देंगे। गैस को हाई फ्लेम पे कर देंगे, अब इसे भी चला लेंगे। ये देखिए हाई फ्लेम पे लात मारना शुरू कर देगी, देखिए देखिए मार रही है ना, देखिए ये देखिए छींटे, ये देखिए। अब ढक देना, गैस को कर देना लो फ्लेम पर, एक मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। गैस देखिए लो फ्लेम पर है, एक मिनट हो गया, ढक्कन हटाते हैं, सीधा सिंपल पुदीना जो पीसा था वो डालेंगे। और पुदीने के साथ क्या पीसा था दोस्तों, वो बता दो, क्या पीसा था पुदीने के साथ, पालक, पालक। ये लीजिए, यहां पर आते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालते हैं इसमें, और साफ कर लेते हैं, ज्यादा नहीं डालना है, बस इतना, और खाली कर देना। गैस को करते हैं हाई फ्लेम पर और मिला लेते हैं, अब ये और ज्यादा लात मारेगी, ये चटनी लात मार रही है, और लात मार रही है तो मम्मा तो यही बोलती है, जो भी ग्रेवी लात मारती है बहुत टेस्टी बनती है, पर हमने तो ग्रेवी बनाई नहीं है, हमने तो चटनी बनाई है। चलिए मिला लिया है, अब क्या करेंगे, अब इसमें डालेंगे हम अमचूर पाउडर, उसके बाद इसमें काला नमक और सी सॉल्ट नॉर्मल वाला, और मिला लेंगे। ये देखिए मिला लिया, क्या बात है, ये जब खाओगे ना किसी भी समोसे के साथ, कचौरी के साथ, तो ये स्वाद और फ्लेवर बढ़ा देगी और भूख बढ़ा देगी आपकी, जहां आपकी भूख नहीं होगी ना, एक कोरा खाते ही आपको लगेगा दो रोटी और खा लूं, मन भर जाएगा, पर भूख नहीं, पेट भर जाएगा, मन भर जाएगा, पेट भर जाएगा पर मन नहीं भरेगा, ऐसा होता है। चलिए अब
एक मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। हाई फ्लेम पर एक मिनट हो गया, गैस को लो फ्लेम करते हैं। यहां पर नींबू भी हमने काट लिए, ढक्कन हटा लेते हैं। ज्यादा पका दोगे तो सारे फ्लेवर चले जाएंगे और ये ग्रीन से काली हो जाएगी, तो वो नहीं करना है। हल्की ग्रीन तो अभी है ही। ओहो, अब क्या करना है, गैस को करना है बंद। अब इसे नीचे का बर्नर और ये हल्की सी ठंडी होने देते हैं। जब ये हल्की सी ठंडी हो जाएगी तब तो हमें ये जो नींबू काट के रखे हैं ये इसमें निचोड़ कर डाल देने हैं, तो रेसिपी बनकर तैयार है। तो आपको ये तड़के वाली हरे धनिया पुदीने की चटनी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे तरीके से एक बार बना के देखें, खाएं, फिर बताएं। तो फ्रेंड्स दोस्तों, अगर आपको रेसिपी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। ऐसी रेसिपी पाने के लिए मेरे चैनल पर अभी का भी रेसिपी है, देखिए, बनाइए, खिलाइए और तारीफ पाइए। जो आज बनाई है हमने मस्त एकदम बढ़िया वाली पुदीने हरे धनिया की चटनी, उसे खाकर खत्म करते हैं। मस्त मस्त क्या मतलब मस्त क्या, पसंद आए तो ज्यादा भी खा सकते हो, नुकसान नहीं करेगी। और लहसुन और प्याज भी नहीं है, तो लहसुन प्याज वालों को भी मजा आएगा और टू ऑयल वालों ये भी चीज खाया करो। चलिए हल्का सा ठंडा करके ये नींबू निचोड़ने हैं। बन गई हमारी रेसिपी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही।